हेलो एंड वेलकम बैक टू वीकर ऑटोमोटिव डिटेलिंग। हमारे पास आज आई हुई एथर की 450X मैट पीवीएफ के लिए एंड द स्कूटर इज राइट बिहाइंड मी। तो ईवी स्कूटर्स आजकल मार्केट में अच्छा खासा फॉर्म में है, स्पेशली ओलाज एंड एथर। ओला का काफी सारा नेगेटिव रिव्यूज भी आ रहा है कि स्कूटर में आग लग रही है, ओवर हीटिंग के इश्यूज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एथर के अभी तक तो ऐसे कोई इश्यूज आया नहीं है एंड दिस स्कूटर बिलोंग्स टू वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड। डेढ़ महीना पुरानी स्कूटर है ये, तो छोटा मोटा इश्यूज है इस पे। पेंट पे भी हल्के हल्के से पेंट के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं बिकॉज सोसाइटी में कुछ काम चल रहा है। ओवरऑल हम लोगों को इसको भी ठीक से वॉश करना है। इसका एक एथर ने भी वीडियो बना के डाला है कि इसको ड्राई वॉश और पार्शियली वॉश कैसे करते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। आगे पियानो ब्लैक फिनिश है, इसके ऊपर स्वॉल मार्क्स है, तो वो स्वॉल्स निकालेंगे। कुछ हद तक इसमें ग्लॉस पीपीएफ भी यूज होगा, मोस्टली तो मैट यूज होगा। और हमारे चैनल पे एथर का ये पहली बार वीडियो जाने वाला है और हम लोग एथर पहली बार ही पीपीएफ कर रहे हैं। इसके पहले ओला हम लोगों ने पीपीएफ की, तो उसका हम लोगों ने फुल फ्लेज्ड वीडियो डाला हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने ग्लॉस ओला पे मैट पीपीएफ यूज किया था। अभी गाड़ी मैट आई है हमारे पास, तो इसमें मैट पीपीएफ यूज करने वाले। तो विल स्टार्ट विद द क्लीनिंग प्रोसेस फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द पीपीएफ प्रोसेस डायरेक्टली, बिकॉज एक ही पार्ट है जहां पे हम लोगों को पेंट करेक्शन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ डीप क्लीनिंग होगा बिकॉज मैट है एरिया पूरा, तो मशीन यूज नहीं होंगे। सो विल स्टार्ट विद द प्रोसेस, स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली एथर का काम कंप्लीट हो चुका है। मैट पीपीएफ मालूम भी नहीं पड़ रहा कि स्कूटर पे मैट पीपीएफ की है। अभी जस्ट एक मेरे फ्रेंड आए थे, तो मैंने उनको बोला कि एथर आई है देख लो, तो उसने पूछा कि क्या करने आई है स्कूटर। मैंने बोला कि बेसिक काम करने के लिए आई। ही केम हियर, ही चेक्ड इट आउट। सिर्फ उसको स्पीडोमीटर के यहाँ पे जो डिस्प्ले पे थोड़े से बबल्स है उसके वजह से मालूम पड़ गया कि हमने पीपीएफ की है। फिर उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि इसमें मैट पीपीएफ की है। सो अल्टीमेटली आई टोल्ड हिम दैट द स्कूटर हैज बीन कंप्लीटली प्रोटेक्टेड विद मैट पीपीएफ। यस, बिकॉज ये बहुत अच्छी लग रही है, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि इसमें पीपीएफ लगा हुआ है। सो दिस इज द वे वी हैव वर्क ऑन एथर। अभी हम आपको बताएंगे कि हम लोगों ने 1-1 पीसेस में कैसे कैसे काम किया है। तो ये वाला जो पैनल है, अंडर सीट पैनल आप कह सकते हो, पूरा 1 पीस में किया हुआ है। कहीं पे भी इस पे कट्स नहीं है, जॉइंट्स नहीं है। एथर का जो ये स्टिकर है यहाँ पे, उसके आसपास थोड़ा सा ये बबल्स दिख रहा है बिकॉज ये स्टिकर है। वी डोंट वांट टू रिमूव द स्टिकर्स विच हैव कम फ्रॉम द कंपनी बिकॉज वो बहुत हाईलाइट हो रहा है। वैसे ही 450X का आगे एक स्टिकर है, वहाँ पे भी थोड़ा सा एयर गैप्स आने की वजह से मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे पीपीएफ है। आगे पियानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे स्पीडोमीटर के जस्ट आगे ये वाला जो पैनल है वो पियानो फिनिश है, उसके ऊपर स्वॉल मार्क्स बहुत थे। हम लोगों को उसके ऊपर भी पीपीएफ करना था, ग्लॉस पीपीएफ, तो हम लोग ने मिरर्स निकाले सो दैट ये वाला एरिया भी ठीक से पीपीएफ हो। बबल्स थोड़े बहुत दिखाई दे रहे बिकॉज स्कूटर्स पे बाइक्स पे कर्वी एरियाज के वजह से थोड़ा फिनिशिंग में 19-20 का फर्क आता है,
बट विद टाइम और सनलाइट के हेल्प से ये हील हो जाएगा। प्लास्टिक्स काफ़ी हद तक है इस बाइक में, तो हम लोग ने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक ड्रेसर यूज़ किया है, हमने सिरामिक नहीं मारा है इसके ऊपर। वी हैव गॉट अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक ड्रेसर नाउअर डेज, सो वी हैव यूज्ड दैट प्लास्टिक ड्रेसर ऑन दिस बाइक बिकॉज आई नो द पर्सन हु इज गोइंग टू यूज दिस बाइक ठीक से मेंटेन नहीं होने वाली उनके पास, तो हम लोगों ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सिरामिक विल पुट द ड्रेसेस। तो जितना भी ब्लैक पार्ट है स्कूटर का बहुत अच्छे से हाईलाइट हुआ है, सिरामिक में वो पार्ट प्रोटेक्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा डार्किशनेस दिखता है, बट विद ड्रेसेस ज़्यादा ब्लैकिशनेस आएगा और दिस विल स्टे फॉर अ वेरी गुड टाइम। दिस इज नॉट जस्ट अ बेसिक ड्रेसर, बहुत अच्छे क्वालिटी का हम लोगों ने प्लास्टिक ड्रेसेस यूज़ किया हुआ है। इस पर व्हील्स पे भी हम लोगों ने वही किया है, टायर पे जो रबर ड्रेसेस लगाए, अलॉय व्हील्स हम लोगों ने डीप क्लीन किए। आप लोगों ने वॉशिंग का प्रोसेस देखा ही है इसका, जिनके पास एथर है वो हमारा ये वीडियो देखे उस हिसाब से आपकी स्कूटर घर पे या बाहर वॉश कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नथिंग लाइक सिरामिक कोटिंग वगैरह हमने इस पर किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ PPF का काम हुआ है। ग्लॉस जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ग्लॉस, मैट जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिक ड्रेसेस एंड द स्कूटर इज डन एंड इट इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड टुमारो। सो दिस वॉज इज फ्रॉम द टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई भी सवाल हो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको अगर व्हाट्सअप करना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, यूट्यूब पे ये वाले ही वीडियो पे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, सो हम लोग उसके ऊपर आपको रिप्लाई करें, आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बने रहे आने वाले वीडियोज़ के लिए, देयर इज लॉट मोर कमिंग।